नए कलिनरी चैलेंज में आपका स्वागत है। सबसे पहले बेबी फीवी को कॉकटेल चाहिए, फिर चलो जल्दी से उसके लिए स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए। यह किया जाएगा, एक ब्लेंडर में थोड़ा दूध डालना जरूरी है, फिर चॉकलेट आइसक्रीम की एक बॉल डाले। वाह, और अब सबसे दिलचस्प चीज काला कोयला है। उसकी मदद से मैं अपने कोको को पूरे दुनिया का सबसे गहरा रंग दूंगी। चारकोल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, और अब हम सब कुछ बदल रहे हैं। वाह, कितना सुंदर काला रंग है। ठीक, एक ग्लास लाओ। बढ़िया, इसमें कोको डालेंगे और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम। यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट निकलेगा। हमें गमी स्पाइडर भी डालना चाहिए। तैयार। वेंसडे, तुम्हारे काले आइडियाज हमेशा अजीब होते हैं। मैं तुम्हें अपना सुंदर कॉकटेल दिखाता हूँ। मुझे स्ट्रॉबेरी सिरप चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है। एक प्लेट में सिरप निकाले, फिर उसमें ग्लास डुबोए। बढ़िया, अब आइसक्रीम की एक बॉल, बिल्कुल मेरी आंखों की तरह लाल है, और ढेर सारा दूध। सब एक ब्लेंडर में डालकर इसे मिक्स करेंगे। मुझे हड्डियों के आकार में बर्फ की जरूरत है। बस इतना काफी है। एक ग्लास में कॉकटेल निकालेंगे, सब तैयार है। बस इसमें एक स्ट्रॉ डाल देता हूँ और इसका स्वाद ले सकते हैं। मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, मैं खाली पेट नहीं सोच सकता। वाओ, यह खोपड़ी ऐसी दिख रही है जैसे मुझे हाल ही में इसी से दिमाग मिला है। मैं तुम्हारी आँख ले लूंगा। सब कुछ एक ग्लास में डाल दिया, और अब मुझे सोडा चाहिए, मुझे इसे खोलना चाहिए। यह काम नहीं कर रहा है, खोलो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आंखों से भरे एक ग्लास में सोडा डाला। कितना स्वादिष्ट, और इस कैन में छेद किया जा सकता है। कितना मजा, क्या आपको भी मजा आ रहा है? कुछ ग्लास में डाल देता हूँ। बस इतना ही, अब इसमें एक बॉल आइसक्रीम डालना बचा हुआ है। सब तैयार है, मैं बहुत खुश हूँ। सभी कॉकटेल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं इसे जल्दी से ट्राई करना चाहती हूँ। अरे, इसमें इतनी जेली आंखें क्यों है? अजीब। ओ चलो टेस्ट करती हूँ। इसका नींबू की तरह स्वाद है, और गमी आंख स्वादिष्ट है। और अब मुझे कॉकटेल को चक्कर देखना है। वाह, ये अच्छा है, स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। हाँ, और यहाँ क्या है? यह स्पाइडर प्यारा लग रहा है। चलो कॉकटेल ट्राई करे। कितना खराब, यह कोयले से बने कॉकटेल की तरह है। पूरी जीभ काली हो गई, यह बेकार है। और यहाँ क्या है? वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे चखना चाहूंगी। यह स्वादिष्ट है। और ग्लास पर क्या है? वाह, यह तो स्ट्रॉबेरी सिरप है। बढ़िया, पर मुझे एक विनर चुनना होगा। मैं चुनती हूँ ज़ॉम्बी को। क्या, मैं जीत गया? चलो गले लगो। इस बार हम क्या करेंगे? क्या फीवी ने कुछ सोचा है? हाँ, बर्गर, कितना अच्छा। मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे स्वादिष्ट बर्गर बनाऊंगा। यह बन भयानक लग रहा है, लेकिन मेरा लाल शानदार लग रहा है। हाँ, टेबल के नीचे मुझे कुछ मिल जाएगा। यहाँ बहुत कचरा है। यहाँ क्या है? केले का छिलका, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे एक बन चाहिए। वाह, मुझे एकदम सही बन मिला, यह मेरे काम आएगा। देखो, मुझे टेबल के नीचे डस्टबिन में एक बन मिला है। एक भयानक ज़ॉम्बी है। भयानक से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ तो मुझे सब्जियाँ चाहिए। मैं भूल गया हूँ कि चाकू कैसे चलाना है। यह फनी निकला। ज़ॉम्बी रुक जाओ। लेकिन रुको, तुमने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया। मैं इन सलाद को बर्गर के लिए ले लूंगा। अब मुझे कटलेट को भूनने की जरूरत है। बढ़िया, यह एक सुंदर कटलेट निकला। इसे बर्गर पर रखता हूँ। अब थोड़ा टमाटर डालना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पंजे तेज हैं, जिससे मैं जो चाहे काट सकता हूँ। उसके ऊपर नुकीला चीज, और इसे एक बन से कवर कर देंगे। हाँ, उसके बाद लाल मिर्च के सिंग और आंखें। एक सही वैम्पायर बर्गर तैयार है। यह फनी है, मैं तुम्हें एक असली बर्गर दिखाती हूँ। मैंने हाल ही में एक नया आविष्कार किया है, बिजली राक्षस। मुझे इसकी जरूरत होगी। यह अपने आसपास के सभी बिजली को खींच सकता है। इस पर मेरा कटलेट पकेगा, बस सही लहर को पकड़ना होगा। हुर्रे, यह काम किया। हाँ,
ये बहुत पावरफुल और कूल है। मेरा कटलेट कुछ ही सेकंड में पक गया और अब बंस तैयार करते हैं। भी काले हैं, थोड़ा सलाद डाले, फिर कटलेट, चीज और टमाटर। इस मिर्च से असली तेज दांतों को काटना जरूरी होगा। तैयार, अब मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। मैं इसे अपने बर्गर के पंजे बनाने के लिए उपयोग कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसे काला रंग देना चाहिए। बढ़िया, अब आंखों की एक जोड़ी कभी भी ज्यादा नहीं होगी। हाँ, हो गया। वाओ, तुमने फिर से इतनी जल्दी कर लिया। और मुझे और कचरा चाहिए। ओ वाओ, मुझे कुछ बहुत स्वादिष्ट मिला है। ये एक वायरस है, इसकी मदद से मैं एक ज़ॉम्बी बन गया था। मुझे उम्मीद है जब वो वायरस के साथ फीबी बर्गर को ट्राई करेगी तो अभी ज़ॉम्बी बन जाएगी। अपना हाथ नीचे रखना होगा और कुछ बेकार चीजें डालनी होंगी। इसे कवर करते हैं और ये तैयार है। वाओ, सभी बर्गर बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ये बहुत प्यारा लग रहा है, चलो ट्राई करें। ये अच्छा है। और यहाँ क्या है? फ्रेंच फ्राई, स्वादिष्ट। अब चलो बर्गर का स्वाद लेती हूँ। मुझे वास्तव में ये पसंद है। वेंसडे, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और यह क्या है? ज़ॉम्बी ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन और मेहनत की जरूरत है। चलो चख कर देखती हूँ। क्या यह हाथ जिंदा है? छोड़ो मुझे। उसे मेरा बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह भयानक था। मैं वेंसडे को विनर चुनती हूँ। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इस बार फीबी क्या चाहती है? वाव, ये एक पैनकेक है। ये बहुत आसान लग रहा है। चलो इसे पकाते हैं। मैंने सोच लिया है, मैं पैनकेक बैटर के साथ बिच्छू ड्रॉ करूंगी। मेरा प्यारा पालतू बिच्छू। मैं चमगादड़ के रूप में पैनकेक्स पकाऊंगा। ये बहुत प्यारे हैं। फीबी को ये जरूर पसंद आएंगे। मुझे बस ध्यान से चमगादड़ की आउटलाइन बनानी होगी। यह हो गया, अब तुम जा सकते हो। बाय बाय। चलो कुछ और चमगादड़ बनाते हैं। सब कुछ जल्दी तैयार हो जाएगा। वाओ, चमगादड़, मैं उन्हें नाश्ते में खाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास यहाँ बहुत सारे दिलचस्प लोगों के दिमाग का भंडार है। अब मुझे पक्का एक आर्टिस्ट का दिमाग खाना पड़ेगा, जिससे मैं पैनकेक बैटर से अच्छी ड्राइंग बना सकूं। मेरे भयानक सड़ते हुए मस्तिष्क को हटाया जा सकता है और इसे डालने की जरूरत है। मुझे आशा है यह काम करेगा। बंद कर देता हूँ। यह कैसा शरीर है, इतनी बुरी गंध आ रही है और मैं थोड़ा हरा हो गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलो अब इसे ठीक करते हैं। यह बेहतर है। मुझे एक आर्ट पैनकेक बनाने की जरूरत है। चलो अब एक मास्टरपीस बनाते हैं। ये बहुत सुंदर निकला। हमें बस सभी टुकड़ों को एक साथ रखना होगा। एक असली मास्टरपीस। वाओ, ज़ॉम्बी ने अच्छी ड्राइंग बनाई है। कूल। और यह मेरे लिए अपने चूहों को बाहर निकालने का समय है। मुझे लगता है मैं स्वादिष्ट पैनकेक सैंडविच बनाऊंगा। थोड़ी व्हिप क्रीम डाले और ढक दे। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। अब हमें इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना होगा। तैयार। मैं ज़ॉम्बी को डराना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा खून पीऊंगा अगर ये स्ट्रॉबेरी सिरप से बना है। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। सच में, मुझे देखने दो। ओ अच्छा, मेरा पैनकेक भी तैयार है। मुझे लगता है एक मास्टरपीस बना है। मुझे सभी टुकड़ों को एक साथ रखकर बिच्छू बनाना होगा। बिल्कुल सही, फीबी को ये जरूर पसंद आएगा। मेरी नाक। अब ये स्लाइम से ढका हुआ है। मैं अपनी आंखें बंद करके चुनूंगी। मुझे यह चुनना चाहिए। वाह, यह क्या है? ऊपर किसी तरह का स्लाइम है। शायद ये सिरप है। नहीं, ये स्नॉट है। कितना घिनौना। और वेंसडे ने क्या किया है? कितना प्यारा पैनकेक बिच्छू है। मुझे तुरंत इसे खाकर देखना है। अच्छा है, ठीक ही है। और वैम्पायर ने क्या किया है? वाह, ये छोटे चमगादड़ है। ये बहुत कूल है। ला 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 ला। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे सच में ये पसंद आया। मुझे और चाहिए।
मैंने तय कर लिया है कि वैम्पायर जीत रहा है। हुर्रे, यह मेरी पहली जीत है। धन्यवाद मैडम फीबी। करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बंस के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बंस ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा। और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या एक डोनट, वाह कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को दो हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, यह कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओ, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप, क्यों नहीं। अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बंस के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा, वाह मानो बर्गर के मुंह में जीव हो। लेकिन किसी चीज की कमी है। यह अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाव, बस इस मॉन्स्टर को देखो, ये बहुत डरावना है लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है, चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है। और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है, क्या गड़बड़ है। यह बर्गर वह नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है। वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है। वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट, इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी, ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ दादी सही है, चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है। हाँ बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है, सावधान रहो। उफ, हाँ बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। लेकिन यह इतना ही नहीं है, फाइनल टच व्हिप क्रीम और मार्शमेलो है।
वाह, देखो ये कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेबी सिरप, बढ़िया, और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो, हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है, यह स्वादिष्ट है, मुझे यह पसंद है। और ये दादी के हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाव, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वह क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यह। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से, हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओ हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, यह स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी बेहतर होगा आप अपनी आँखों को ढक ले, यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फिर हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू, मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला।
बढ़िया, क्रस्ट देखा, अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से के ऐसा नहीं कर सकती। काली गाय? बेशक, कौन शक करेगा, यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है, कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं। और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओ, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच, यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है, बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओ, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है, बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और ओ, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों के डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और यह सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! यह क्या है? वीता क्या करने वाली है? क्या वह कार को सजाने जा रही है? मैं दुनिया की सबसे मुलायम और गुलाबी कार बनाऊंगी, पूरा गुलाबी, यहाँ तक कि दरवाजे भी। मैं हर कोने को सील कर दूंगी, सुंदर। मेरे पास एकदम सही कार है, किसी के पास ऐसी चीज नहीं है। देखो, है ना बहुत सुंदर। ओह हाँ, खैर कोई बात नहीं, मैं उसे दिखाऊंगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे निश्चित रूप से स्पाइक्स की जरूरत होगी, कुछ भी मुलायम नहीं। आपका ऑर्डर? वाह, इतनी जल्दी, धन्यवाद। ओह, कितना बड़ा बॉक्स है। ओह, काले पेंट की एक कैन, मुझे इसी की जरूरत थी। अब मैं इस लड़की को दिखाने जा रहा हूँ कि कूल कार का क्या मतलब है। 3, 2, 1, तैयार। बिल्कुल सही, फाइनल टच। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी कार होगी। तो बढ़िया काम है। और अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे इन स्पाइक्स को चिपकाना होगा। चलो इधर ग्लू डालें और ऊपर से स्पाइक। अब यह डरावना लग रहा है, पहियों पर भी यह होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं? ओह अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैंने बाहर सजाया और मुझे कार को अंदर से सुंदर बनाने की जरूरत है। मुलायम कुर्सियाँ, यह बढ़िया है। अब मैं इसे थोड़ा और सजाऊंगी। हाँ, यह गुलाबी स्टीयरिंग व्हील कवर एकदम सही है। यह कितना नरम है। मुझे सबको थोड़ा और मुलायम करने की जरूरत है। बस हो गया, सब तैयार। मेरे पास सबसे प्यारी कार है, खासकर इन क्यूब्स के साथ। और तुम्हारे बिना कैसे दोस्त, बहुत प्यारा। चलो कुछ लाइट्स लगाए, मैं एक एलईडी पट्टी जोड़ूंगी, बहुत खूबसूरती से चमक जाएगा। वाह, बढ़िया रिजल्ट। एलेक्स की क्रिएटिविटी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है।
या क्या, उसने अंदर भी सब कुछ गुलाबी कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक चेन है। मेरा स्टीयरिंग व्हील ज्यादा कूल होगा क्योंकि ये लोहे से बना होगा, कोई मुलायम फर से नहीं। जब तक ग्लू सूख न जाए तब तक इंतजार करना होगा। एकदम सही। तो मेरे पास अभी भी ग्लू है, इसलिए मैं कुछ और भी जोड़ सकता हूँ। यह खोपड़ी एकदम कूल और खतरनाक दिखेगा। मैंने तुमसे कहा था, और बड़ी खोपड़ी यहाँ। वाह, बढ़िया है। और क्या है? ओ, एक चाबी का गुच्छा। वाह, मैं अच्छा हूँ। बिल्कुल, एक और काम। अब यह स्टीयरिंग व्हील कमाल का लग रहा है। मेरी कार सबसे अच्छी है, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो देखें कि वीटा अब आगे क्या करती है। कितना अच्छा। वाह, यह क्या, क्या एलेक्स मेरे आइडियाज को फिर से कॉपी कर रहा है? क्या उसने कार को खोपड़ी से सजाया है? तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन क्यों होगी? मेरी कार में सभी के लिए काफी जगह है, यहाँ तक कि मेरे प्यारे कुत्ते के लिए भी। अच्छा लड़का है, अपना व्यवहार अच्छा रखना। मेरी कार को देखो, और यहाँ तुम सो जाओगे। ओह, यह क्या, मेरा बच्चा इतने कड़े सामान पर सो नहीं पाएगा। मैं इसके लिए मुलायम बिस्तर का ऑर्डर दे देती हूँ। ओह, इतनी जल्दी। धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं इसे अभी सेट करती हूँ। तुम्हारा बिस्तर सबसे आरामदायक होगा। बस हो गया, देखो यह कितना प्यारा है। वाह, बिल्कुल सही, तुम्हें पसंद आया? मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा, तुम यहाँ आराम करो। आखिर मेरे पास कितनी शानदार कार है। यह समय है कूल कार में कूल सेल्फी लेने का। वाह, मैं कितना हैंडसम हूँ। अब उन्हें समझ में आएगा कि अपने ट्रंक को ऐसे छोड़ने का परिणाम क्या होता है। ओ, यहाँ क्या है? वाह, यह ठीक है, ले लेता हूँ। जल्दी आओ। पता नहीं उसमें क्या है, पैसा? अरे नहीं, ये कुत्ता है, एक विशाल डरावना कुत्ता। कितना भयानक, भागो। ये कैसी आवाज है? What? ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? आशा है कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अरे नहीं, मेरा बैग। ओह, तुम कैसे रक्षक हो? एक बैग? ओह, अच्छे बच्चे हो तुम। बेटा, यह तुम्हारा लगता है। ओह, मेरा पर्स। धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है। ओह, तुम चलो, मेरी चीजों का ख्याल रखो। आशा करती हूँ कि अब चोर नहीं आएंगे। इतना अच्छा गेम है, रोकना असंभव है। ओ नहीं, बैटरी खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? वाह, मेरे पास एक आइडिया है। फोन पर कोई गेम खेलने से अच्छा है कि कंट्रोलर से खेला जाए, और मेरे पास इसके लिए उपयुक्त जगह भी है। अब बस टीवी लगाना ही बचा है। वाह, बिल्कुल सही फिट। और यह कंट्रोलर, मैं यह सब यहाँ रखूंगा। और यहाँ क्या है? आराम से बैठने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे यहाँ रखूंगा और अब गेम खेल सकता हूँ। चलो गेम शुरू करें। ओ वाह, यह क्या है? हाय ब्रो। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। वाह, यह कितना मजेदार है, मुझे यह पसंद है। कितना सुंदर है। वहाँ क्या चल रहा है? क्या वे वीडियो गेम खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं मेरे बिना? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे मजे करना है। मैं यहाँ बॉक्स रखूंगी, मैं ट्रंक खोलूंगी, पार्टी का सामान, बिल्कुल सही, और यह उधर, और दूसरा उसके पास। बस इतना ही, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डिस्को बॉल के बिना किस तरह की पार्टी। बस बहुत बढ़िया, जितना लाइट उतना बेहतर। इसलिए अब मैं एक माला लटकाऊंगी। यह वह जगह है जहाँ यह सबसे अच्छा होगा। बस अब सब हो गया, मेरी पार्टी तैयार है। और बस अब म्यूजिक, देखो मुझे कितना मजा आ रहा है। जल्दी करो, मेरे साथ शामिल हो जाओ। ओह, यह क्या हो रहा है? क्या ख्याल है, उधर चले? हम तुम्हारे साथ है। और मेरे बारे में क्या? मेरे दोस्त आ गए, चलो एक साथ मजा करते हैं। एलेक्स हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं कर रहा है? वो अकेले खेल रहा है।
ये मेरी गलती है, मुझे सब सुधारना होगा। एलेक्स चलो एक साथ मजे करते हैं। ओ तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मेरे पास एक और सुझाव है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ क्यों नहीं, सावधान रहो मैं कभी नहीं हारती, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे खेलना है। ओह यह मजेदार है, मेरे साथ खेलने के लिए धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है।